हेलो, आज हम बात कर रहे हैं सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर मूवी दिलवाले, यानी कि 1994 में आई दिलवाले। एक ऐसी मूवी जिसमें रोमांस था, ड्रामा था, एक्शन था, थ्रिलर मूवी थी और थिएटर में कई हफ्तों तक ये चलती रही और उस साल की ब्लॉकबस्टर मूवीज थी। इसमें बात करेंगे कौन कौन से एक्टर थे, तो यानी कि सुपरस्टार अजय देवगन, जी हाँ, ये तो अपने एक्शन और अपने एक्टिंग के लिए जाने जाते थे। इनका स्मार्ट वे का जो एक्टिंग करने का तरीका था वो सभी एक्टर पर भारी पड़ता था। और इसमें इनका साथ देने के लिए भी एक एक्टर थे जिनका नाम है सुनील शेट्टी। गलत कह रहा हूँ, सुनील शेट्टी यानी बॉडी बिल्डर आप कह सकते हैं। जी हाँ, बॉडी बनाने का जो सिलसिला चला वो केवल सुनील शेट्टी साहब ने उस दौर में बनाने का काम किया और इन्हें देख कर बहुत सारे एक्टर भी बॉडी बनाने लगे। तो सुनील शेट्टी के बारे में भी बहुत सारी अनकही बातें हैं। खैर, हम आज बात कर रहे हैं कि दिल वाले मूवी में सुनील शेट्टी ने भी अपना जो एक्टिंग का किरदार निभाया बहुत ही अच्छा बखूबी उसे अंजाम दिया। और अब बात करेंगे इसमें लीड एक्ट्रेस कौन थी, यानी कि रवीना टंडन। जी हाँ, रवि सिंह रवीना टंडन हम कहें अगर तो गलत नहीं होगा। अगर हम रवीना टंडन केवल कहें तो गलत तो होगी ही बात, क्योंकि ये स्टार रवीना टंडन थे। 90s में इनका मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि इन्हें जो भी इनको इनका मुकाबला करने आता था 90s में वो रिप्लेस हो जाता था। जी हाँ, ये सिलसिला काफ़ी लंबा चला। 90s में एक से बढ़कर एक हर एक्टर के साथ, जितने भी बड़े स्टार थे उनके साथ मूवी देने वाली इकलौती अभिनेत्री अगर हम बात करें तो वो थी केवल रवीना टंडन। इनकी जो अदाएं थी, इनका जो रोमांस करने का तरीका था, इनके अंदर का जो एक्टिंग का कह सकती हैं कीड़ा था वो सबसे अलग था, यानी कि रवीना टंडन को सबसे जुदा करता था। तो हम बात कर रहे हैं दिल वाले मूवी, कैसे इन्होंने हर मूव, हर सॉन्ग में, हर एक एक्शन को समझ लीजिए कि यादगार बना दिया था। तो हम बात करते हैं कि इस मूवी, जो ये मूवी है दिलवाले, अगर हम बात करें तो इसकी जो पहली पसंद थी वो पहली पसंद थी दीवा दिव्या भारती। या अपनी बहुत छोटी सी उम्र में दिव्या भारती ने कई एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर मूवीज दे दी थी, जो ऐसा हुआ कि इनके सामने कोई भी टिकने वाला नहीं था। तो हुआ यूं कि किस्सा ये हुआ कि जब इस फिल्म की राइटिंग हुई, सब कुछ लिख लिया गया, सब कुछ कि अब इसे शूटिंग करनी है, तभी 1994 में दिव्या भारती यानी कि दीवा का हो गया निधन, देहांत हो गया इनका, जिसके कारण ये मूवी मिली रवीना टंडन को। और रवीना टंडन ने भी बखूबी इसे अंजाम दिया और रवीना टंडन ने इस मूवी के साथ भरपूर, समझ लीजिए कि भरपूर निर्णय किया और इस मूवी को यादगार बना दिया। और इनकी दो जोड़ी थी अजय देवगन और रवीना टंडन की, एक समय तो ऐसा भी कहा जाने लगा कि यही जोड़ी बॉलीवुड की सुपर हिट जोड़ी है। और इसके बाद इन दोनों ने इस फिल्म को पूरा किया और ये फिल्म, मैं आपको बता दूं कि थिएटर में कई हफ्तों तक लगातार ये चलती रही, ताबड़तोड़ कमाई करने वाली इकलौती मूवी थी। तो ये थी आज की कहानी, कैसे रवीना टंडन ने उन्हें किया रिप्लेस। और हम आपको ऐसी ही चटपटी खबरें लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगती है हमारी खबरें। लगातार हमारे साथ बने रहिए बॉलीवुड E24 के साथ, हम आपको ऐसी खबर देते रहेंगे। थैंक यू।